आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शिव की नगरी सिवनी में आदिवासी समुदाय के द्वारा हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तरीके से इसे मनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ एक रैली निकाली गई। विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के आदिवासी समुदायों की संस्कृति, सभ्यता और पर्यावरण के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करने का दिन है। आदिवासी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हो और हमारी धरती की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई जाती है। दरअसल आदिवासी वे लोग हैं जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं और अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखते हैं। वे आमतौर पर प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखते हैं और पारंपरिक जीवन शैली को अपनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के अनेक कारण प्रचलित हैं। इसमें आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना, आदिवासी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, आदिवासी समुदाय के सामने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना, आदिवासी समुदायों को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगर हम बात करें आदिवासी समुदाय के योगदान की, तो इसमें आदिवासी समुदाय के पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई जाती है। वे पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का उपयोग करके जैव विविधता को बनाए रखते हैं। आदिवासी समुदायों ने सदियों से वन, नदियों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग किया है। वे पारंपरिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है। आदिवासी समुदाय दुनिया भर में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें भूमि अधिकारों का हनन, गरीबी और अशिक्षा, भेदभाव, सामाजिक समस्याएं आदि इनके प्रमुख समस्याओं में से हैं। आदिवासियों के उत्थान के लिए अनेक बातों को किया जा सकता है। आदिवासी अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए, आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, आदिवासी समुदायों की सरकारी, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र आदि में उनकी साझेदारी को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। सिवनी शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरता हुआ ये जुलूस आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही परंपरागत तरीके से इनके द्वारा इस पूरे आयोजन को किया गया। सिवनी वैसे भी आदिवासी बाहुल्य जिला कहलाता है और सिवनी में बहुत जंगलों के अंदर भी तरह तरह से इनकी संस्कृति पाई जाती है। विश्व आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके योगदान को पहचानना है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि आदिवासी समुदायों ने हमारे समाज और पर्यावरण के लिए कितना योगदान दिया है। आदिवासी समुदायों ने हमेशा से ही प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जिया है। उनकी जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सामुदायिक जीवन के महत्व को सिखाता है। आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति और नृत्य भी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा सकती है। यद्यपि आदिवासी समुदायों के द्वारा समाज ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन चुनौतियां भी उनके सामने कम नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आदिवासी समुदायों को उनका अधिकार मिले, उनकी समस्याओं का समाधान इसके जरिए हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा, अधेड़ सब यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितनी विशाल तादाद में इनके द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर परंपरागत तरीके से रैली निकाली गई, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और परंपरागत तरीके से रैली निकाली गई। आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों के
अधिकार मिलने चाहिए, अधिकारों के संरक्षण की दिशा में सभी को प्रयास करना चाहिए। निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्हें बराबरी और साझेदारी मिलने की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है। आदिवासी समुदाय में अनेक प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपना लोहा देश विदेश में मनवाया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सिवनी में आदिवासी समुदाय के द्वारा जिस तरीके की जीवन शैली का उपयोग किया जाता है, उसे भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। उसमें भी कहीं ना कहीं सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सिवनी की दो विधानसभा, बरघाट और लखनादौन, दो विधानसभाएं सुरक्षित हैं, और मंडला लोकसभा जिसका सिवनी में कुछ क्षेत्र आता है, दो विधानसभाएं आती हैं, वो भी आरक्षित रखी गई है। आदिवासियों के उत्थान के लिए संकल्प लेना होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम पराजय होंगे। जय हिंद।